हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना। वेलकम टू आवर चैनल हाउस देखो। और आज हम कैनवस के सैम्पल फ्लैट में हैं। कैनवस इज इन सेक्टर 85 मोहाली वेव इस्टेट ब्लॉक ए। और कैनवस के सारे अपार्टमेंट्स हैं स्टील प्लस फोर फ्लोर्स, सारे ही लो राइज हैं विद लिफ्ट। एंड यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी है वो है 3+1 की, 3 BHK विद 3 वॉशरूम, 1 सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम एंड +1 इज स्टोर रूम। एंड कैनवस हर अपार्टमेंट के साथ 2 गाड़ियों की पार्किंग दे रहा है। एंड प्लस जो सेक्टर का सबसे बड़ा पार्क है अप्रॉक्स 2 एकड़ का, वो सारे कैनवस के सैंपल फ्लैट को और सॉरी कैनवस के अपार्टमेंट्स को फेसिंग है। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। नाउ वी आर एंटरिंग इन दी सैम्पल फ्लैट ऑफ कैनवस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैनवस के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं सारे 3+1 हैं विथ सर्वेंट रूम। सर्वेंट रूम की मेन एंट्रेंस बाहर से ही रहेगी। 6x6 का सर्वेंट रूम है अलॉन्ग विद इसका वॉशरूम 3x7, 3x7 का अपने सर्वेंट के साथ अलग से वॉशरूम रहेगा। एंड इसका जो एक्सेस होगा वो बाहर अलग से रहेगा, ये अंदर से कनेक्टेड नहीं होगा। कैनवस के सैम्पल फ्लैट की मेन एंट्रेंस यहाँ से है। दिस इज द मेन डोर, सुदान टीक का सारा मेन डोर है विद गोदरेज लॉक। एंटर करते ही सबसे पहले आता है ड्राइंग रूम। 17x11 का ड्राइंग रूम है जिसके साथ अपनी बालकनी इस तरफ है। जितनी भी बालकनीज होगी सारी स्लाइडिंग के साथ है, UPVC स्लाइडिंग डोर विद मेश डोर लगे होंगे। एंड ड्राइंग रूम के साथ जो बालकनी कनेक्टेड है दैट इज 4 फीट वाइड। ड्राइंग रूम के अंदर आपका सारा फ्लोरिंग सेम एज इट इज रहेगा, सारा कजारिया फ्लोरिंग है। एंड ड्राइंग रूम के साथ इधर कनेक्टेड है लेफ्ट हैंड साइड पे डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया ड्राइंग रूम से भी बड़ा है विच इज 19x11.5, 19x11.5 का डाइनिंग एरिया, सेम फ्लोरिंग घर के अंदर सारा कजारिया का। इधर राइट हैंड साइड पे है मास्टर बेडरूम 16x11 का मास्टर बेडरूम है। जिसके साथ अगेन अपनी कनेक्टेड बालकनी रहेगी विच इज कनेक्टेड विद ड्राइंग रूम एंड मास्टर बेडरूम। अगेन सेम UPVC स्लाइडिंग डोर विद मेश डोर लगा होगा। एंड द बालकनी विद मास्टर बेडरूम इज 5 फीट वाइड, इनफ स्पेस टू हैव योर टेबल्स चेयर्स कि आप बालकनी में बैठ के वहाँ का व्यू ले सकें। एंड मास्टर बेडरूम के साथ अपना वार्डरोब एरिया अलग से है 3.25x7। वार्डरोब्स सेम एज इट इज लगी होगी विच इज विद मास्टर बेडरूम, अगेन विद पैसेज एरिया। पैसेज एरिया के साथ है कनेक्टेड आपका मास्टर वॉशरूम। मास्टर वॉशरूम इज 6x7। वॉशरूम्स सारे रेडी रहेंगे विद द फिटिंग्स ऑफ कूलर सेम एज इट इज। जो ब्रांड में आपको कमिट कर रही हूँ सेम एज इट इज मैं सारे घर के अंदर लगा के दूंगी। एंड वॉशरूम अगेन विद एंटीस्केट टाइलिंग। मास्टर बेडरूम के बाद अब हम देखेंगे किचन। किचन इज 13x8। तेरह बाय आठ की किचन है। किचन सारा सेम एज इट इज रहेगा, शेल्फ वर्क सेम, वार्डरोब्स सेम, वुड वर्क जितना भी किचन के अंदर होगा सारा सेम, बस हॉब एंड चिमनी नहीं होगा, फ्रिज अवन नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं होंगे। बाकी आप जितना भी ड्रॉर्स देख रहे हैं ये सारा हेटिज के चैनल्स के साथ होगा, सेम अगेन ब्रांडेड एंड सेम फ्लोरिंग सारा कजारिया का रहेगा। किचन के अंदर जितनी भी स्टोरेज कैपेसिटी है ये सारी सेम रहेगी, कैबिनेट्स अगेन विथ डुअल सिंक। And this is the connected balcony with kitchen. This is the terrace with first floor only. Canvas के जितने भी first floor आएंगे ये back verandas हैं जो first floors के साथ होंगे। 250 square yards plot area है जिसके ऊपर first floor है 1900 square feet. 1900 square feet इस back terrace के साथ है।
एंड अगेन दिस इज द कनेक्टेड बालकनी विद बोथ बेडरूम्स एंड किचन। अगेन बालकनी के साथ भी जो डोर है सेम यू बी विजिबल विद टफन ग्लास एंड साउंड प्रूफ ऑल्सो। किचन की लेफ्ट हैंड साइड पे है किड्स बेडरूम। इस रूम के डायमेंशन है 15x10, 15x10 जिसके साथ अपनी स्लाइडिंग वार्डरोब से एज इट इज लगी होगी। सेम एंड वॉशरूम अगेन 6x7। किड्स बेडरूम किड्स वॉशरूम का भी साइज 6x7 ही है और मास्टर वॉशरूम का साइज भी 6x7 ही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई वॉशरूम बहुत बड़ा रखा है कोई छोटा रखा है, सारे वॉशरूम्स के साइज इक्विवेलेंट है एंड सेम सारा सैनिटरी कोलर का ही लगा होगा। राइट हैंड साइड पे है गेस्ट बेडरूम। इस बेडरूम के डायमेंशन है 13x10। गेस्ट बेडरूम है जिसके साथ अपनी वार्डरोब सेम एज इट इज। अगेन सारे ये ग्रीन प्लाई लैमिनेटेड बोर्ड्स है, वार्डरोब्स जो भी लगी होंगी बेडरूम्स के साथ वो सारा ग्रीन प्लाई लैमिनेटेड बोर्ड्स होंगे, सेम क्वालिटी। एंड अगेन वॉशरूम गेस्ट बेडरूम के साथ अपना गेस्ट वॉशरूम है 5x7। गेस्ट वॉशरूम के साथ हमने दो डोर से कनेक्टिविटी दी है, एक तो बेडरूम के साथ एक्सेसिबल है और एक बाहर लिविंग एरिया के साथ। सो अगर लिविंग एरिया के लिए किसी को वॉशरूम का सेस चाहिए तो ये कॉमन डोर है, वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। एंड अगेन बालकनी, जो बैक टेरेस आपको पीछे दिखाया था वो गेस्ट बेडरूम के साथ जो बालकनी है कनेक्टेड है। एंड से अगेन दिस इज द कनेक्टेड बालकनी विद किड्स बेडरूम गेस्ट बेडरूम एंड किचन, सेम सारा एंटीस्केट टाइलिंग के साथ। सो फ्रेंड्स कैसे लगा आपको हमारा कैनवस का सैम्पल फ्लैट? इस कैनवस के सैम्पल फ्लैट से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारी अगली वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।